साधना जगत में आगे बढ़ने के लिए सेंट्रिपोरस पास पर नियंत्रण जरूरी है, विजय जरूरी है। कृष्ण ने गीता में कहा है, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते जे माया मेथाम तरंगिते। कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया बहुत ही दुष्टर है, इसको कोई भी भेदन नहीं कर पाता, नहीं कर सकता है। जिस पर मेरी कृपा हो जाती है वही इस माया को पार पा जाते हैं, क्योंकि वो एक मायाधीश है, माया उनके अधीन है। इसलिए माया को भेदन करने के लिए भगवत कृपा जरूरी है। और ये माया क्या है? षट्रिपुर अष्टपाश ही जो है माया है, यही अविद्या माया है। और इस पर नियंत्रण किए बगैर हम साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं। इस षट्रिपु क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, यह है षट्रिपु। इस षट्रिपु जो है वही शत्रु है, और अष्टपाश ये आंतरिक शत्रु है, लज्जा, घृणा, शंका, भय, जिगुप्सा, कुल, शील, मान, ये अष्टपाश है। और ये षट्रिपु अष्टपाश ही जो है हमको बांध करके रखते हैं। पास बद्धो भवेत जीवः, पास मुक्तो भवेत शिवः। जब मनुष्य जो है पास के अधीन रहते हैं तो जीव कहलाते हैं, और जब पास के बंधन को तोड़ देते हैं तो जीव जो है शिव में मिल जाते हैं, शिवत की प्राप्ति हो जाती है। तो ये छह शत्रु क्या है, वाही शत्रु क्या है? काम, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये षट्रिपु है, ये हमारे वाही शत्रु है। काम, जब हम अधिक काम के से पीड़ित हो जाते हैं या वासना के वशीभूत हो जाते हैं तो हमको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता है, और कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे हमारा जो है अधोपतन हो जाता है, और इसका जो है वाही जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्रोध, क्रोध के बारे में भगवान शिव कहते हैं, क्रोध एवं महान शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। जब हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं या किसी को अपशब्द बोल देते हैं, और लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और हमको जन्म जीवन पर्यंत हमको पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध का भी जो है वही इम्प्लीकेशन होता है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ, जब मनुष्य लोभ का वशीभूत हो जाता है, और लोभ के वशीभूत हो करके हम कुछ भी कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने भी मल्टीनेशनल्स है अपने प्रॉफिट के लिए लोभ के कारण से कितने जघन्य अपराध करते हैं प्रॉफिट के लिए, रुपये कमाने के लिए, तो इसका भी जो है वाही जगत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे लोग का जो है इससे हमारा इंटायर सोसाइटी इससे अफेक्टेड हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जब हम मोह के ग्रसित हो जाते हैं, किसी चीज से हम अत्यधिक आकर्षित हो जाते हैं, मोह ग्रसित हो जाते हैं, और जब वो ग्रसित हो जाते हैं तो ऐसे कुकृत्य कर बैठते हैं इसके लिए हमको आजीवन जो है पछताना पड़ता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बाह्य शत्रु, इसका बाह्य जगत पर जो है प्रभाव पड़ता है। मद, मद मीन्स होता है अहंकार। भगवान श्री कहते हैं कि अहंकार पतनस्य मूल कारणम, हमारे पतन का मुख्य कारण होता है अहंकार। इसलिए मद जो है अपने अहंकार में चूर हो करके हम समाज का बहुत बुराई कर देते हैं, क्षति कर देते हैं।
और सारा संसार हमारे जो है विरोध में खड़ा हो जाता है। अहंकार के वशीभूत होकर के रावण ने, दुर्योधन ने, कंस ने कितने कुकर्म किए और उसका खामियाजा पूरे संसार को जो है भुगतना पड़ा, पूरे समाज को भुगतना पड़ा। काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य। मात्सर्य क्या है? एक दूसरे का निंदा करना है, चुगली करना है। क्योंकि हम किसी का अगर निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, और जब ये चीजें उसके कानों में पड़ जाती है तो हमेशा के लिए हमारे जो है दुश्मन बन जाते हैं, हमारा जो है सामाजिक संबंध जो है खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो ये छह शत्रु कहा जाता है, ये हमारे वाही एनिमी सोसाइटीज के द्वारा जो है अफेक्टेड होते हैं, और एक तरह से सारी दुनिया हमारा जो है दुश्मन बन जाता है। जब अब जब भी शत्रु के ये छह दोषों के अगर अधीन हो जाते हैं तो दुनिया हमसे दूर हो जाती है। उसी तरह से जो है अष्टपास जो है ये बंधन है, इसका जो है आंतरिक महत्व ज्यादा है। भय, जब हम किसी चीज से भय ग्रसित हो जाते हैं तो हम जो चीज कहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हम भय के कारण सत्य नहीं बोल पाते हैं। लज्जा भी, लज्जा के वशीभूत होकर के जो है बहुत चीज हम समाज के सामने जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं। इसलिए ये जो है हमारे आंतरिक शत्रु, और हमारे अंतर्मन में वेदना होती है, भय से हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सत्य कहने की साहस नहीं है, या लज्जावश जो है हम कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो चीजें नहीं करनी चाहिए, या जो बोलनी चाहिए लज्जा के कारण नहीं बोल पाते हैं। इससे हमारा जो है आंतरिक जो है क्षति होती है, ये आंतरिक शत्रु है भयम लज्जा शंका। जब मन में जब शंका ग्रसित हो जाती है तो हम किसी के बारे में जो है खराब सोच लेते हैं। इसलिए गीता में कुछ बोलते हैं कि संस्यात्मा विनिश्चित, व्यक्ति जो है शंकाशील होता है उसका विनाश हो जाता है। तो भय लज्जा जिगुप्सा, जिगुप्सा क्या है? ये हिपोक्रेसी, अखंडता है, कुलंग सीलंग मानंग च, कुल है कि मैं उच्च कुल का हूं और अपने कुल के लिए, उच्चता के लिए, अपने कुल के को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए कुछ भी कुकृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल भी जो है एक आंतरिक शत्रु है। सील आचरण कंडक्ट कि मैं अच्छे खानदान का, मेरे बाप दादों का आदर अच्छा रहा है, इसके लिए हम कुछ ऐसे कर देते हैं और हमारे अंतर मन में ही जो है लाती होती है। जब हम उस चील के मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं तो हमारे मन में आंतरिक लाती होती है। मान, मान क्या है? पूर्ण शील मान, किसी को अपने वंश का मान होता है, अपने कुल का जो है मान होता है, और अपने कुल के मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो किसी हद तक जा चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो हम चीज जो चीजें कर रहे हैं वो हमारे हमारे लिए ठीक नहीं, और हम अंदर जो है पश्चाताप के बाला में जो है झुलसते रहते हैं। इस तरह से जो है ये षट विपुल अष्टपास, यही अविद्या माया है, ये हमारे जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो है बाधक है। तो षट विपुल अष्टपास पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, अविद्या माया पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? इसलिए एकमात्र उपाय है हम अपने जो है यम नियम का कड़ाई से पालन करें। जब यम नियम को मान करके चलेंगे तो हमारे अंदर में जो है नैतिक बल आएगा, जब नैतिक बल आएगा तो मन पर जो है नियंत्रण होगा। तो इस अविद्या माया को पार करने के लिए
नियंत्रित करने के लिए पहली है कि हमको जो है यम नियम का पालन करना पड़ेगा। हम जितना यम नियम के पालन करेंगे हमारी नैतिक शक्ति बढ़ेगी, हमारा विल फोर्स बढ़ेगा, और जितना हम में सद साहस होगा, विल फोर्स होगा, उतना ही हम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है व्यक्तिगत जीवन में साधना। हम जब साधना करेंगे, साधना करते करते हमारा मन जो है ये संकीर्ण वृत्तियों से जब ऊपर उठेगा, हमारा मन जो है एक्सपेंडेड जब होगा, विस्तारित होगा, तो देखेंगे सारे विश्व में वही कणकण में परमात्मा समाये हुए हैं, तो हमको कणकण के प्रति जो है प्यार आएगा। हम अपने प्यार को जो है पूरे कणकण में जो है बांट सकते हैं। तो जिस तरह से मनुष्य को, मनुष्य है, मनुष्य को तो सभी प्यार करते हैं, मनुष्य होने के नाते, मनुष्य के अलावा हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको प्यार करते हैं। यही है न्यू ह्यूमनिज्म। जब साधना करेंगे तो न्यू ह्यूमनिज्म की भावना आएगी, और हमारे अंदर में जितने भी संकीर्णताएं हैं, मन की जितने भी जो है, मन में जितने भी कुवृत्तियां हैं, ये साधना रूपी अग्नि में जल करके नष्ट हो जाएंगे, और इस तरह से हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने धर्म की ओर, परम पुरुष की ओर हम तीव्र गति से जो है आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन हम उनके साथ एकाकार हो सकते हैं। तो एकाकार में जो बाधक है सट रिपोर अष्टपाश, और इसके लिए है यम नियम का कठोरता से पालन, और दोनों समय नियमित रूप से साधना। निश्चय ही साधना करेंगे, मन एकाग्र होगा, जब प्रभु के प्रति जो है प्रेम का जागरण होगा, तो हम सारे दुनिया को परमात्मा के रूप में जो है प्यार कर पाएंगे। इस तरह से सबको प्यार करते करते एक दिन उसी परम पुरुष में जो है समाए